नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्दर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर जाएंगे। पिछले 16 दिन में यह दूसरा मौका है जब वे दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। इससे पहले वे 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोनों राज्य गए थे। इसी दौरान पीएम मोदी कई प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। वे पश्चिम बंगाल में मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की नींव रखेंगे। इसके अलावा मोदी असम में असोम माला हाईवे प्रोजेक्ट कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे और दो अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम पर नजर डालें तो पहले पीएम सुबह 11:45 बजे सोनितपुर जिले के डेकियाजुली में एक कार्यक्रम में असोम माला कार्यक्रम को शुरू करेंगे। विश्वनाथ और चराईदेव में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। शाम 4:50 पर मोदी बंगाल के हल्दिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। मोदी हल्दिया में ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत धोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सेक्शन को भी देश के नाम समर्पित करेंगे। इसके बाद हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी कैटेलिटिक इंसोडे वैक्सिंग इकाई की आधारशिला रखी जाएगी। उसके बाद NH41 पर रानीचक हल्दिया में एक फॉरलैंड ड्रॉप कम फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।